greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. Good morning, everyone. Welcome back to the channel. अभी बस सो के उठा था 9:30 बजे एक्चुअली उठ तो पहले गया था लेकिन बेड से उठने की हिम्मत नहीं होती कल रात को वही मैं सोया करीबन 2:30 बजे करीब सोया और सुबह पता नहीं 4-5 के करीब मेरे लेफ्ट पैर की नस खिंच गई काउस की फिर थोड़ी देर राइट में दर्द होने लगी तो फिर थोड़ी देर बाद ठीक हुई फिर दोबारा नस खिंच गई मतलब भाई अभी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना दोनों पैर ऐसे पेंगुइन की तरह चल रहा हूँ ना मैं आई डोंट नो मैं तो भाई की गाड़ी चला के जा रहा था अभी थोड़ा सा यहाँ पे शूट भी करना था बहुत सारे प्लान्स थे पता नहीं यार क्या अलग ही सिस्टम हो रहा है खड़ा भी नहीं हो जा रहा ढंग से हल्का सा नहीं चल जा रहा बस थोड़ा बहुत चला जा रहा है पापा ने ना एक्चुअली थोड़ी सी मालिश भी करी थी क्रीम लगा कर दिया से उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा बस थोड़ा बहुत धोया हुआ धीरे धीरे चल रहा है तो चला जा रहा है ठीक ठाक हो रहा है उससे बेटर हो गया उठी से क्या चढ़ना कोई बात नहीं आपके लिए कंटेंट भी तो बनाना है जी तो फिर आ गए अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे रोज़ की तरह और बस फिर वही अब खाएंगे खाते होते क्या लिखा है अब शादी फोटोग्राफर थोड़ी है ट्रस्ट मी यहाँ का जो कैफे है उसकी जो कैपेचिनो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉफी बेस्ट कैपेचिनो बड़े बड़े कैफेज फेल कर दिए भाई इसने बड़े बड़े कैफेज हाँ जी तो यहाँ चल रही है अपनी फाइल ट्रांसफ़र और अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं तो कल एक बेसिकली पंगा सा हो गया था हमारी जो रेड थार थी नारायण भाजी थी वह जो पिछला ब्रेक होता है मतलब उसका जो बैक साइड का जो ब्रेक है उसका जो सिलेंडर होता है वो ब्लास्ट होता है तो इट वॉज़ अ मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ अ थिंग मतलब डिफेक्ट या कुछ भी आई डोंट नो मैकेनिकल एरर आया क्या तो अब उसको देख रहे हैं कि कुछ सेट कर रहे हैं कि टो करके लेके जाएंगे या फिर धीरे धीरे आगे की ब्रेक्स के ऊपर ही बेस पे लेके जाएंगे क्योंकि पिछला वाला जो साइड का वो फटा है और अब उसको देखते सील करके व्हाट वील ट्राई इज़ कि ऑयल लीकेज ना हो तो पीछे वाला बंद करके आगे वाले से ब्रेक करते करते अगर लेके जाते हैं तो लेके जाते हैं मतलब कल का भाई काफ़ी एडवेंचरस दिन रहा और मैं आपको बताता हूँ कल मेरे साथ एक अनहोनी और हुई थी मैं बता नहीं पाया था इधर ना यहाँ पे बेसिकली मेरे चोट लगी हुआ कैसे गांधी चौक पे थे हम लोग और मैं नीचे जा रहा था एक रेस्टोरेंट में पानी ख़रीदने और भाई वहाँ पे एक आया बुलेरो पिकअप वाला उसने भाई ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा वहाँ पर मैं बिल्कुल कोने में ही खड़ा था खैर वो थोड़ी सी बर्फ़ थी वहाँ पर तो उसने मोमेंटम के चक्कर में भाई उसका बम्पर सीधा मेरी थाइस पे आके लगा मतलब जो पेंट है ना मेरे जीन्स पे पेंट आ गया था लिटरली उसकी गाड़ी का इतनी ज़ोर से लगा बट उस टाइम तो खैर चलो कोई बात नहीं क्या कर सकते जो गलती देखो मतलब किसी की भी नहीं कह सकते क्योंकि वो भी बेचारा अपनी गाड़ी निकाल ही रहा था तो अब उसमें ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते बट आप लोगों के लिए एक वो ऐसा सजेशन है कि ध्यान से रहना मतलब स्लिप विलिप बहुत होता है बर्फ़ में बहुत रिस्की होता है तो अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा कभी यहाँ कुछ सीन ऐसे है ये रिकवरी वैन आई है मैकेनिक है यहाँ पे टायर खुलने की कोशिश कर रहे थे और इनसे टायर ही नहीं खुल रहा था इनके गोटी नहीं थी मतलब बेसिकली जो इसमें वो डलता है ना पता नहीं क्या बोलते हैं यार उसको गोटी बोलते हैं तो आप समझ जाओ आप भी तो मैं दिखाऊंगा बाद में क्या होता है तो हमारे पास पड़ी हुई थी हमने बेसिकली आफ्टर मार्केट एक रखी हुई है क्योंकि पहले हमारे पास ना एक्सयूवी होती थी तो उसके टायर हमेशा जाम हो जाते थे तो नॉर्मल जो उसका पाना होता था उससे खुलता नहीं था जो गाड़ी के साथ मिलता था तो फिर हमने आफ्टर मार्केट एक रखी हुई थी तो स्टेनलेस स्टील वाली वो आज काम आ गई भाई कसम से बता रहा हूँ नहीं तो ये टायर नहीं खुलना था आज जी ये तो ऐसा सा था ये आग बेसिकली लग जाता है इसके पीछे पाना लग जाता है तो ये एम्बुलेंस नहीं था तो ये दिया था इट्स वेरी सनी डे नाइस वार्म and the expertise from Mahindra is here acha ji and sorry
टूट गया सारा कुछ है? वो टूट गया सारा कुछ कारण है ना वो जो पर्सनल है देख मैं तुझे बताता हूं ये टूट गया है जिसको होल्ड करके रखता है टूट गया ताई पिस्टन बाहर आ गया ना वो पिस्टन होता है वो इसको पुश करता है ये पिस्टन इसको पुश करता है तो ब्रेक ऐसे खुलती है और लगती है टायर पे एंड वो सील निकल गई है दैट इज व्हाई द ऑयल इज लीकिंग तो जी देखा क्या हुआ हमारी पेट्रोल थार के साथ मतलब भाई उसका बेसिकली अंदर पूरा जो ब्रेकिंग सिस्टम है पूरा टूटा हुआ क्लैम्प्स टूट गए सिलेंडर लीक हो गया मतलब बहुत बुरा हाल है उसका बहुत बुरा हाल है यार कमाल है यार महिंद्रा थार भाई एडवेंचर के लिए बनाई है इन्होंने एडवेंचर मतलब हमारा करवा दिया इसने आप तो किया नहीं एडवेंचर हमको हम अभी एक जैक लगा रखा है दूसरा टायर चेक करने के लिए जैक निकाल रहे थे जैक नहीं लगता भाई उन जैक ही नहीं मिल रहा भाई यार यहाँ लाइफ की अलग ही प्रॉब्लम्स चल रही है हमारी तो आ देखो प्रतीक भाई की नजर तेज है हैं भाई नहीं नहीं मेरी कोई नजर तेज नहीं है ओ बढ़िया बट ये तो दूजा है बहुत औखा है नाल तो चकना गड्डी में हाइड्रोलिक वाला नहीं है चलो कोई नहीं हां पत्थर रख के गुल्लूगा तार लगूगा इन्हें पत्थर दे नाल लाना पड़ना है इदा नहीं लगना है 2 मिनट वीर छोटा है बहुत ऊंचा हो गया ना बहुत ऊंचा हो गया हाइट बहुत है ये पहला ही चक्किया हुआ है नेड़े कर दो भाई ज्यादा खुलूंगा जा नहीं खुलना लगना ही नहीं कितने बड़ा अनुवाद लो एक लगना बस बस भाजी देख छ लग रहा है पीछे हुक दे यार एदा ही जैका है कहता किसी और बगानी दा बगानी दा इस साइड का भी आप देख सकते हो टूटा हुआ है पूरा बाप रे बहुत बुरा हाल है तो अभी का सीन कुछ ऐसा है हम जा रहे हैं गांधी मार्केट गांधी चौक बेसिकली मार्केट की तरफ हम कुछ 8-9 लोग और बाकी कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं तो देखो वो नट्स जो होते हैं जो होल्ड करते हैं बेसिकली पूरी असेंबली को वो नट रिबिट्स होते हैं वो टूट गए तो हमने अल्टरनेटिवली नट्स मंगवाए हैं फ़िलहाल जब तक वो नहीं आते हैं और फिर तब तक हम वेट करेंगे और कुछ अरेंज करने का ट्राई करा तो है देखो अगर वो नट्स आ जाए कुछ जुगाड़ से एटलीस्ट लुधियाने तक गाड़ी पहुँच जाए फिर लुधियाने से हम प्रॉपर मतलब जो नारायण पाजी हो रिपेयर करवा लेंगे उसको महिंद्रा में दिखा के बेसिकली गाड़ी वारंटी में है तो ये वारंटी में सही होना चाहिए बाकी देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता है तो बेसिकली हम यहाँ पे आए हैं एक कोई तो दुकान है पता नहीं यार तंदूरी यहाँ पे सब कुछ तंदूरी तंदूरी चाय तंदूरी मोमोज बस तंदूरी शेक की कमी गई है इनका बस चले तो वो भी स्टार्ट कर देंगे तो बेसिकली अब यहाँ पे तंदूरी कॉफ़ी और तंदूरी चाय पीने आए हैं देखो तंदूरी कॉफी पी है चॉकलेट शेक कुल्लड़ मोमोज कुल्लड़ पास्ता कुल्लड़ मोमोज कॉफी पांच कर दो ये तो जायज ही है फिर कुल्लड़ मोमोज ओदे जी मिलनी है जा तंदूरी कॉफी ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਖਲਾਤੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਸ ਕੱਟ 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 ਕੱਟ
हां जी, तो देखो आपको टेस्ट टेस्ट देते हैं तंदूरी कॉफी का कैसा है। नॉट बैड यार, प्रीटी गुड प्रीटी गुड। जो कुल्लड़ का स्वाद आ रहा है ना, काफी अच्छा है, वर्थ है। तो जी वी आर बैक टू आवर होटल पार्किंग और नेट वगैरह यहाँ पे बेसिकली लग गए हैं और ऑलमोस्ट काफ़ी काम हो गया है। बस अब ब्रेक ऑयल ब्लीड आउट करेंगे, फिर ब्रेक ऑयल वापस डालेंगे ताकि प्रॉपर ब्रेक प्रेशर मेंटेन होए, क्योंकि एक बार अगर ब्रेक ऑयल का प्रेशर करेक्ट ना हो तो सिलेंडर सब सही होने के बाद भी ब्रेक नहीं लगती है। सीन अभी कुछ ऐसा है, जो ये थार है हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस वो वापस नट कस रहे हैं और पापा आ रहे हैं। तो बेसिकली भी थोड़ी बहुत जुगाड़बाजी इसमें करी है हमने, और जो रिबिट्स थे वो क्योंकि नहीं मतलब टूट गए थे तो उसकी जगह हमने एक नट बोल्ट्स कसे हैं और लुधियाना जाके फिर देन दे रिप्लेस द होल थिंग, क्योंकि ये रिपेयर करने वाली चीज़ है नहीं। ब्रेक्स जो आप ब्रेक्स का रिस्क ले सकते, ऐसी चीज़ है जिस पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है। हाँ जी, तो फाइनली हम निकल गए हैं एंड आर कॉन्वॉय हैज़ मार्च्ड और एकदम फुल फील आ रही है जैसे कि जा रहे हैं, क्योंकि अभी ना हम गांधी चौक से जैसे टर्न करके नीचे जा रहे थे तो मतलब इतने खतरनाक पब्लिक रिएक्शन आ रहे थे ना। सारे बात कर रहे थे कि ये 4x4 है सारी, ये कोई क्लब है, मतलब बहुत वीडियोस बना रहे थे और सब कर रहे थे। तो यार बड़ा अच्छी मतलब एक प्राउड सी फीलिंग आ रही थी यार कि हाँ भाई लोग नोटिस करके मतलब दे आर इंस्पायर्ड बाय अस। बड़ी सही नोटिस करी अभी डलहौजी की, मैं और पापा डिस्कस कर रहे थे उस पर कि जो यहाँ पे सड़कें हैं दे आर मार्वलस, मतलब बहुत अच्छी सड़कें एज़ कम्पेयर टू शिमला मनाली से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज जो भी मतलब सोचता है कि यार पहाड़ों में चलते हैं बर्फ़ देखने चलते हैं तो सबसे पहले यही दो डेस्टिनेशन सामने आती है आपके दिमाग में। और इनकमिंग ट्रैफिक अगर आप देखो तो बहुत बेयर मिनिमम बिकॉज एक दो लोकल गाड़ियाँ अभी तक हमें मिली, एक दो टूरिस्ट गाड़ियाँ मिली, मतलब और कोई मिला ही नहीं। तो इतना स्मूथ एक्सपीरियंस है ना कि बार बार पास दो करो वो करो वो करो, कोई हैसल ही नहीं है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up. Drone shots. आपके लिए कुछ बड़े बड़े drone shots अभी लिए थे मैंने, आपने देखे ही हैं। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगे, थोड़ी सी मेरे को लेसन्स भी देना यार, क्योंकि अभी मैंने ना मतलब आप लगा लो ये सेकंड या थर्ड फ्लाइट थी मेरी, तो उसके हिसाब से मतलब मेरे को जज करना क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से आता नहीं है। एंड मैंने अब सोचा कि मैं डेफिनेटली प्रैक्टिस करूँगा क्योंकि इतना ईजी है नहीं जितना लगता है, और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत अमेजिंग शॉट्स आ सकते हैं जो प्रैक्टिकली व्लॉग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, तो ज़रूर सीखूँगा मैं। हाँ जी, तो रुक गए हम यहाँ पे वापस पे, बेसिकली टाइम अगर मैं दिखाऊँ तो काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 6:45 हो गए, बट हम लोगों ने लंच वंच नहीं किया था, काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी हम प्लेन्स में आए, पठानकोट एंटर कर गए हैं हम, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ खाना पीना करेंगे फिर चलेंगे आगे वापस घर को लुधियाना। लेट हो गया थोड़ा सा, बट आपको दिखाया है क्यों लेट हो गए, जेन्युइन रीज़न था। Basement statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm. हाँ जी, तो finally we are back at home. और बस क्या ही बताऊँ आपको. अब टाइम हो रहा है अबाउट 9:30। लास्ट मैंने पठानकोट का शॉट दिखाया था आपको, उसके बाद हमने बढ़िया से बटर चिकन पे लिए और बढ़िया से खाना वाना खाया हमने, बढ़िया इन्जॉय किया। एक्चुअली क्या था कि सुबह से हमने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ खाया ही नहीं था और सबको भूख लग रही थी, तो वहाँ रोका हमने प्रॉपर एक रोटी सब्जी, मतलब जिसने वेज खाना था पनीर चिकन वो सब अपना चल रहा था,
और उसके बाद फिर भाई नाइट ड्राइव थी पूरी, तो मैंने कहा क्या ही दिखाऊंगा अब आपको। और मैंने इतना, मैं भी एक्चुअली इतना ज़्यादा थका हुआ था, इतना ज़्यादा थका हुआ था, मैं ढंग से सो भी नहीं पाया था कल रात को। कल इतना हेक्टिक डे था, सो नहीं पाया। आज भी उठ गया सुबह से, वो थोड़ा बहुत मेरे को एक दो शूट करना था वो करा एक अलग वीडियो के लिए, तो बस इस चक्कर में मेरे को भी रेस्ट नहीं मिला। और हम थोड़े हैं थोड़े बेवकूफ़ से हीरो बन जाते हैं ना हर जगह, कि पापा ने बोला थोड़ी देर सो जा, मैंने कहा नहीं, बीच में पापा ड्राइव कर रहे थे तो मैंने साइड में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर सो जा रिलैक्स कर ले। और हम हैं भैया चाचा चौधरी, हमने कहा नहीं भैया हम तो वही शेर बनेंगे, तो ठीक है अब कोई ना, अब दो दिन सोना ही है हमने, और करना क्या है। मंडे से बैक टू रूटीन हो जाएगा, ये सब घूमना घुमाना बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया है, सून सून भाई सून आएगा कुछ बड़ा, आएगा इस चैनल पे, मज़ेदार आएगा इस चैनल पे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और ये सीरीज़ बढ़िया लगी, कुछ भी पार्ट अच्छा लगा इसका, तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थोड़ा मज़ा उन्हें भी तो दो, अगर आपने मज़ा उठाया है, इस लुत्फ़ उठाया है इस वीडियो का, तो थोड़ा उन्हें भी तो दो। तो चलो टिल देन गुड बाय।